हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ झुर्रियों का आना एक आम सी बात है, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि कुछ लोगों को रिंकल्स या इन प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है 30s में, 20s में ही। जी हाँ, क्योंकि हमारे जो लाइफस्टाइल है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, हम अपने स्किन का, अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से हमें कम उम्र में ही एजिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एजिंग की प्रॉब्लम की बात करूं तो जैसे फाइन लाइन्स का आना, रिंकल का आना, स्किन बहुत ज्यादा रफ सी हो जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐसे एक फेस मास्क शेयर करूंगी जो आपके स्किन को इस तरीके की सारी प्रॉब्लम से दूर करके आपके स्किन को यंग बनाएगा। जी हाँ, ये मास्क बिल्कुल नेचुरल होने वाला है और इसको बनाने में आपको बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना ज्यादा पैसे खर्च होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेंगे इसे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हम लेंगे करीब 2 चम्मच के करीब। जी हाँ, मैं यहाँ पे बेबी मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो रेगुलर जो मिल्क पाउडर आता है चाय बनाने वाला, वो भी यूज कर सकते हैं। बात करूँ मिल्क पाउडर में, तो मिल्क पाउडर में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, मिनरल जैसे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। साथ में हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। स्किन को लाइट बनाते हैं, क्लीन करते हैं, स्माइल स्क्रबिंग का काम करते हैं। अगर आपकी स्किन पे एजिंग की प्रॉब्लम है तो सारी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट चीज जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है हनी। आपको हनी इसकी आधी क्वांटिटी लेना है। जैसे मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है, तो हाफ क्वांटिटी करीब, 1 चम्मच के करीब हम इसमें हनी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डाल करके। मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कि मेरे पहली बार के एप्लीकेशन से मेरे हाथों का रंग काफी ज्यादा साफ लग रहा है। बात करूं सॉफ्टनेस की, तो मेरी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है, क्योंकि मैंने इसमें हनी डाला था। और हनी जो हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, क्लींजिंग का काम करता है। तो अगर आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो आपकी स्किन पे कोई एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, और इस मास्क को अगर आप 30s में, तो अभी आप इसे लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपके स्किन फेस पे जो प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम है वो ना हो। जी हाँ, तो इस मास्क को अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आप देखेंगे आपके स्किन जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। स्किन पे जो प्रीमेच्योर एजिंग या एजिंग की प्रॉब्लम जो हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब इसे रेगुलर लगा करके देखते हैं। आप इस मास्क को डेली भी यूज कर सकते हैं, गर्मियों के लिए भी बहुत ही अच्छा मास्क है। तो जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ मिश्रा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तक लिए बाय बाय, टेक केयर। तो दोस्तों, फेस पैक हमारा बन करके तैयार है। जैसे मैंने आपको बताया था, सेम ऐसे ही आपको बनाना है। बात करूं हनी की, तो हनी में बहुत अच्छी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। फेस पे एक्ने हो, एक्ने स्कार्स हो, स्किन पे किसी भी तरीके के दाग धब्बे हो, उसको दूर करता है। स्किन को क्लींजिंग का काम करता है, आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है। जी हाँ, आपके स्किन पे जो एजिंग की प्रॉब्लम होती है, फाइन लाइन, रिंकल, फ्रैकल्स, सारी प्रॉब्लम को दूर करके आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। जी हाँ, तो इस मास्क का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब लगाने का तरीका ये है कि आपको इस मास्क को लगाने से पहले आपको अपने फेस को हल्के कुनकुने पानी से अपने चेहरे को धोना है, जिससे कि आपके पोर्स ओपन हो जाए, उसके बाद आपको इस मास्क को लगाना है। याद क्या कर सकते हैं, इस मास्क में जैसे मैंने नॉर्मल पानी का यूज किया, आप उसमें कुनकुने पानी का यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल गर्मी का सीजन चल रहा है, तो मैं आपको आप सजेस्ट करूंगी कि आप हल्के कुनकुने पानी, जैसे बोलूँ कोसा पानी, इससे अपने फेस को वॉश कर लीजिए, उसके बाद इस मास्क को अप्लाई करिए। तो आपको इस तरीके से इस मास्क को लगाना है। कंसिस्टेंसी आपको ऐसे ही रखनी है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको इस मास्क को लगा के छोड़ देना है 10 से 15 मिनटों के लिए, जब तक ये मास्क पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। उसके बाद आपको ठंडे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। जी हाँ, ठंडे पानी से आपको वॉश इसलिए करना है ताकि आपके जो पोर्स ओपन हुए थे वो पोर्स आपके श्रिंक हो जाए या क्लॉक हो जाए। मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं कि मेरे पहली बार के एप्लीकेशन से मेरे हाथों का रंग काफी ज्यादा साफ लग रहा है। बात करूँ सॉफ्टनेस की, तो मेरी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है, क्योंकि मैंने इसमें हनी डाला था। और हनी जो हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है, क्लींजिंग का काम करता है। तो अगर आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी तो आपकी स्किन पे कोई एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, और इस मास्क को अगर आप 30s में, तो अभी आप इसे लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपके स्किन फेस पे जो प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम है वो ना हो। जी हाँ, तो इस मास्क को अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आप देखेंगे आपकी स्किन जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। स्किन पे जो प्रीमेच्योर एजिंग या एजिंग की प्रॉब्लम जो हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब इसे रेगुलर लगा करके देखते हैं। आप इस मास्क को डेली भी यूज कर सकते हैं, गर्मियों के लिए भी बहुत ही अच्छा मास्क है।
तो जी हाँ दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ मिश्रा की तरह नेक्स्ट वीडियो में। तकली बाय बाय, टेक केयर।